सो हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो आप लोग। और भाई आज हमारे सामने है फेस लिफ्टेड ऑल्टो K10 VXI प्लस ये वेरिएंट रहने वाला है, जो ऑन रोड आपको लगभग 6 से 6.5 लाख की पड़ेगी। और अलॉय व्हील्स का आप यहाँ साइज़ देख सकते हो 14 इंचेस का, जो कि एज एन एसेसरी लगा हुआ है इसमें। इसमें कंपनी फिटेड आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, स्टील व्हील्स मिलते हैं आपको इसमें। ये डंडी मिल जाएगी आपको शीशे नीचे वगैरह करने के लिए। इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह, 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, चलो जो कि एक अच्छा टच है गाड़ी के अंदर, काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ कुछ कुछ जगह यार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे हमें मन उतर जाता है। पावर विंडोज़ के लिए बताओ क्या इतना वो हो गया था। और आप इसका फ्रंट लुक देख सकते हो कितना चेंज किया गया है, काफ़ी चेंज किया गया है। थोड़ा ऑल्टो 800 से थोड़ा सा मतलब मैच होती है। और यहाँ से आप इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बूट स्पेस की बात करो तो 214 लीटर की आपको बूट स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। सो चलो अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या ऑफर किया गया। बॉडी कलर आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। सो अब इसको खोलते हैं और यहाँ पे आप देखोगे पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको बीच में मिलते हैं। फ्रंट की 2 मिलेंगी, पीछे की नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको इसमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे सारे खाली बटन दे दिए डमी, कि आपको जो भी लगवाना बाहर से लगवा सकते हो, यहाँ से हमें कुछ नहीं देंगे आपको। सो यहाँ पे आप देख लो 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिल जाएगी, मतलब ऑल्टो के अंदर भी आपको स्क्रीन दे दी गई है। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, 12 वाट का सॉकेट, 2 कप होल्डर, और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। ऑटोमेटिक का भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। IRVM में आपका मैनुअल है। और ये रूफ लाइट्स आप देख सकते हो, वैनिटी आपको नहीं मिलेगी, कॉस्ट कटिंग करनी है। और 2 एयरबैग आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, विज ABS और EBD। और आपको यहाँ पे फर्स्ट एड का पाउच भी दिया जाएगा। सो देखो ज़्यादा तो कुछ कहने को है नहीं इस गाड़ी के लिए, बट ठीक है, अच्छी गाड़ी है नो डाउट। बट यार कहीं ना कहीं हमें कोई ओवर प्राइस लगने लगी है गाड़ी। ये भी 6.5 लाख की पड़ती है, इतने में तो यार काफ़ी गाड़ियों के ऑप्शन आ जाते हैं मार्केट में। सो इससे अच्छी तो आप वैगनर ले सकते हो भाई, मैं अपनी पर्सनल चॉइस दे रहा हूँ, बाकी सब क्या पता किसी को ऑल्टो ही लेनी हो तो ले सकता है यार। और एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा अलॉय व्हील्स के प्राइस जो एज एन एसेसरीज में लगे हुए हैं, 28,000 रुपये के आपको ये पड़ेंगे। सो अगर ये आपको एक क्यूट सी गाड़ी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियोज आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।